दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हैं। वो फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद समझिए मैं इस हालत में कैसे रिप्लाई करूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरा शोल्डर उखड़ गया है, दर्द अलग रहता है। अभी एक सच बात आपको बताऊँ तो मैं अपने घर नहीं जा पाया हूँ इस चक्कर में कि घर में मम्मी फिर देख कर रोने लग जाएगी। आप लोग नाराज हो गए कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं, मुझे लग रहा है 4000 के आसपास मैसेजेस पड़े होंगे जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। आप खुद को मेरी जगह पर रख के देखो। आप मुझे लिखते हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप सेलिब्रिटी हो गए हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुख होता है। मैं सच बात बताऊँ तो मैं बिग बॉस के घर में जाने के पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही हूँ और अभी भी आपसे वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं बदलूँगा, आप मुझे देख लेना, मैं वैसा ही हूँ। हाँ, मैं आपसे बात करता रहूँगा, मैं अच्छा लिखता रहूँगा। और आज आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात को एक वीडियो अपलोड करूँगा पोइट्री की, और उससे मैं आपसे संवाद करता रहूँगा। और उस वीडियो के नीचे में आप अपने कमेंट लिख दिया करना, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसके आंसर मैं वीडियो के थ्रू दूंगा। तो आप उस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस लिख दिया करना, मैं एक कलेक्टिव एनालिसिस करके उसका आंसर दे दिया करूंगा। बट साथियों, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपको आंसर करने में सक्षम नहीं हूँ। आप न्यूज़ चैनल में जिस नवीन को देखते थे, आप बिग बॉस के घर में जिस नवीन को देखते थे, अभी तत्काल में इस टूटे हुए कंधे ने उसको तोड़ के रखा हुआ है थोड़ा, क्योंकि शरीर जब साथ नहीं देता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौसला तो टूट जाता है। हाँ, मैं रिकवर कर रहा हूँ और मैं पूरी एनर्जी के साथ वापसी करूँगा। और आप जो मुझे जान गए हो, जो मुझे पसंद करते हो, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैं आता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं गायब नहीं होऊंगा। और आज एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल पोइट्री मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी कुत्ती चीज़ है, जितना देती है उससे ज़्यादा लेती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी जितना लेती है उससे ज़्यादा मुझसे लेती है।